एवरीवन्स, आप सभी का गुइला क्लासेस में हम स्वागत करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू देने वाले हैं उन सभी से क्या किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं और कैसे उनका आपने जवाब देना है वो आज हमें सर बताएंगे। तो सर आज बताइए कि बेसिकली जो जनरल क्वेश्चन होता है स्टूडेंट से तो किस प्रकार से पूछते हैं? देखिए, एक जो बहुत ही जनरल एक क्वेश्चन है वो होता है, जैसे आप पैनल के सामने बैठेंगे तो सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन जो है वो पूछी जाती है। सिंपली क्वेश्चन होगा कि आपसे पूछेंगे कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो देखिए, आपको क्या करना है कि बहुत ही ज़्यादा इस चक्कर में कि आपको अच्छे नंबर मिले, कोई बहुत ही ज़्यादा लंबा डिटेल्ड अपना इंट्रोडक्शन नहीं लेके जाना है। सिंपली आपको होम टाउन और ये सब चीज़ें दो चार लाइनों के अंदर बताकर खत्म करना है। सर, क्वालिफिकेशन वगैरह इंट्रोडक्शन में बतानी होती है? क्वालिफिकेशन आप बता सकते हैं, बिल्कुल बताने भी चाहिए, क्योंकि आपने क्या पढ़ाई की है ये उनके परफॉर्मर में लिखा होता है। और आपको इंट्रोडक्शन में आप कहीं भी जाते हैं तो बतानी पड़ती है, तो उस इंटरव्यू में भी आपको बतानी पड़ेगी क्वालिफिकेशन। मतलब पूरा नहीं बताना कि स्कूलिंग कहाँ से किया, ग्रेजुएशन, मतलब लास्ट आपने क्या किया ये बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो ये हमने देखा कि आपने अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना, इंट्रोड्यूस कैसे करना योरसेल्फ। नेक्स्ट सर, अगर पूछे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं या होम टाउन के बारे में पूछे जाए तो क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, जब आप इंट्रोडक्शन देंगे तो उसमें आपका होम टाउन भी बताया जाएगा। और ये पैनल का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल रहता है जनरल डिस्कशन में कि वो होम टाउन के बारे में जरूर पूछते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट है बाहर दुनिया के बारे में तो चलो पता है, जो भी है आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं या फिर जो भी है, क्या आपको होम टाउन के बारे में अपने स्पेशलिटी कुछ पता है, उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। तो हाँ, ये क्वेश्चन कई बार जनरली पूछा जाता है कैंडिडेट से कि होम टाउन के बारे में कुछ स्पेशलिटी बताइए, मतलब कि आपके होम टाउन में क्या फेमस है या आपको क्या लगता है। सर, ये पूछ सकते हैं कि अगर आपके होम टाउन में अपॉइंटमेंट आपका एज एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया जाएगा तो क्या चेंज करना चाहेंगे होम टाउन में, ये पूछ सकते हैं? होम टाउन स्पेशली इस तरह से तो नहीं होता है, क्योंकि जो होम टाउन होता है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। बट हाँ, पूछा जा सकता है इस तरह से कि अगर आप एज किसी डिस्ट्रिक्ट के SDM हैं, DM हैं, अगर मैं UPSC की बात करूँ, IPS है, IAS है, तो किस तरह से सिचुएशन बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कहीं पर कोई दंगा हो रहा है, आप IPS है, वहाँ के SP है, तो किस हिसाब से आप चीज़ें हैंडल करेंगे। हाँ, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बट वो इंटरव्यू में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उस हिसाब से वो लेवल बढ़ाएंगे। ओके, इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप सिचुएशनल बेस आंसर पूछ सकते हैं जिसका आप ध्यान रखेंगे। तो सर, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे तो कैंडिडेट से ये पूछा जा सकता है कि आप IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं या IFS बनना चाहते हैं, तो इसमें क्या आंसर देना चाहिए? देखिए, जब इंटरव्यू के दौरान, मेंस के दौरान आपका फॉर्म फिलअप होता है, उस टाइम आपकी प्रेफरेंस पूछी जाती है, तो उसमें स्पेसिफिकली UPSC के अंदर तो कई सारी सर्विसेज मेंशन किया जाता है कि आपने IPS बनना है, IAS बनना है, IFS बनना है, तो सेम उसी तरह से HCS के अंदर भी हैं। और जो भी आप ऑप्ट करेंगे प्रेफरेंस अपनी, उसके ऊपर सवाल पूछने के चांसेस काफ़ी बनते हैं कि क्यों आप यही जो पोस्ट हैं वो उसमें ऑप्ट कर रहे हैं, आपने अपनी प्रेफरेंस में क्यों यही पोस्ट जो है वो डाली है, तो उसके लिए भी आपका आंसर एकदम रेडी होना चाहिए। हाँ, तो मतलब जो पोस्ट आपने कैंडिडेट ने जब आपने फॉर्म भरने वक्त डाला है तो उससे सवाल पूछा जा सकता है, तो उसका आपने ध्यान रखना है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उससे पूछ सकते हैं कि आपने ये ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों चूज किया है? बिल्कुल, ऑप्शनल का एग्जाम जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेंस के लिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डेफिनेटली पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपने मास्टर जो की है, ग्रेजुएशन जो की है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और जब आप ऑप्शनल चूज करते हैं तो आपने कोई डिफरेंट सब्जेक्ट चूज किया है, तो उस पे कमीशन आपसे सवाल पूछ सकता है कि क्यों आपने यही ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है वो चूज किया है, तो वो भी आंसर जो है आपको अपनी ध्यान रखना पड़ेगा, प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। हाँ, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट थोड़ा सा आप देख लीजिएगा क्यों चूज किया, या फिर आपको इस ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्यों इंटरेस्ट है, ऐसे आप सवाल पूछे जा सकते हैं। सर, ये पूछ सकते हैं कि पिछले आप जॉब करते थे उससे क्या आप वो वहाँ पे आपकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, और अब आपने क्यों इधर ये IPS IAS बनने को सोचा, ऐसे पूछ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे होते हैं पास में, सो क्योंकि आपसे जब बेसिक इंट्रोडक्शन जो पूछा गया तो उसके अंदर आप अपनी ऑलरेडी जो प्रीवियस जॉब है उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पर उस चीज़ से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं कि आपका काम क्या था,
किस तरह से आप चीजों को हैंडल करते थे, तो वो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। ओके ओके सर, एक बहुत जनरल क्वेश्चन होता है स्टूडेंट की क्या पहन के जाए, तो इस पे क्या आपका विचार है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस तरह से वैसे कोई स्पेसिफिकली मेंशनिंग नहीं होती है कि आपको क्या कपड़े डालने हैं, बट ऑब्वियसली हर जगह जाने का एक तरीका होता है जो आप कपड़े डाल के जा सकते हैं, तो वहां पर आपको बिल्कुल सिंपल जो कपड़े हैं उनमें जाना ज्यादा बेटर होता है। ये चीज आप नॉर्मली देख सकते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, यूपीएससी की जितने भी इंटरव्यू होते हैं हर साल बहुत सारे कैंडिडेट जाते हैं, उसमें आप देख सकते हैं सिंपली अगर मोस्ट ऑफ दी कैंडिडेट्स देखा जाए तो नॉर्मली वो ब्लेजर और कोट पैंट जो इस तरह से डाल के जाते हैं, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो उनका साड़ी जो है वो लगा के जाते हैं। तो सिंपली ऐसा कोई स्पेसिफिकली मेंशन तो नहीं है, बट हाँ आपको डिसेंट क्लोथिंग रखनी है ताकि जो इंटरव्यू पैनल है उनको कोई ऑब्जेक्शन ना हो उस चीज पर। और आप फ्रीली वहां पे जा सकते हैं, जैसे कि एंटर करते हैं तो आराम से आप वहां जाके बैठ सकते हैं। अगर आप साड़ी में कंफर्टेबल नहीं है तो सूट पहन के जाइए, आप कंफर्टेबल होना चाहिए, और कलर थोड़ा सा आप लाइट रखे तो ज्यादा अच्छा हो, डार्क कलर ना करें। तो स्टूडेंट हमने देखा कि जनरल क्वेश्चन, ये जनरल क्वेश्चन क्या होते हैं जो कि हमारे मन में होते हैं, इसका कैसे आपने आंसर देना है, बिल्कुल ब्रीफ में आंसर देना है, ज्यादा वो मत करना कि बिल्कुल लॉन्ग में जा रहे हो, आप बिल्कुल एज शॉर्ट एज आपने आंसर देना है। तो ये जनरल क्वेश्चन देखा है, इसको देखते हुए गोला क्लासेस की तरफ से हमारा कोर्स भी लॉन्च किया गया है इंटरव्यू के लिए, जहां पे मॉक इंटरव्यू और करंट से रिलेटेड, मतलब कि आपको करंट से रिलेटेड कैसे आ सकता है सवाल, या सिचुएशनल बेस क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, और जनरल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां पे जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तो बने रहे गोला क्लासेस के साथ।